सेगमेंट टू के डाउट्स पेज नंबर 15 बोलो। एम आर इज ऑलवेज द प्राइस एट विच द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड। एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। एक और यूनिट बेचेंगे तो और कितना पैसा आएगा। एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू होता तो वही है, बट वेरीफाई करेंगे। आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5। प्राइस 10,9,876। तो अभी आ जाएगा फॉल्स, बट देखेंगे कैसे। टी आर क्या हो गया? 10,18। 8 3 जा 24, 7 4 जा 28। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? 10,8। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? 8। और कितने पे बिक्री है? 9। हो गया ना फॉल्स। फॉल्स। इट इज द एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू, इट इज नॉट द प्राइस एट विच द कमोडिटी इज बीइंग सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस एट विच द कमोडिटी इज बीइंग सोल्ड। परफेक्ट कंपटीशन तो सारा ही सेम है, डेफिनेशन वाइज वो नहीं होता कि मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट द प्राइस एट विच द लास्ट क्वांटिटी वाज सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू। ट्रू और फॉल्स में मतलब दिस स्टेटमेंट शुड होल्ड ट्रू ऑलवेज। अगर किसी भी सिनेरियो में वो नहीं होल्ड ट्रू करती देन इट इज फॉल्स। क्लियर? ए आर कर्व ऑलवेज रिमेन्स अबव एम आर कर्व। मतलब इसमें आपका ये आ जाएगा ना कि फॉल्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एम आर इज इक्वल टू ए आर। फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे कि द अबव लाइन विल होल्ड ट्रू ओनली अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है ना? वो यहाँ पर आ जाएगा, नॉट ऑलवेज। तो इसलिए अब नहीं होते तो फॉल्स हो गए। क्लियर? तो बट आपको एक्सप्लेनेशन ही हो जाएगी। और बताओ, इसी में सेगमेंट टू में सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का 19 पेज नंबर 19 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर, व्हाट चेंज इन टोटल रेवेन्यू विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट चेंज इन रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू, इंक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट चेंज इन टोटल रेवेन्यू, डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इफ टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट तो इट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू। इफ टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट तो इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल तो पूछना कि कैन पीपीसी बी कॉन्वेक्स, व्हाट इज द शेप। मतलब होता है ना कि फिर वो इंक्रीजिंग एम आर टी डिमिनिशिंग एम आर टी, वो थियोरेटिकली है। कह रहे कब होगा, क्या होगा टोटल रेवेन्यू के साथ जब ये हो रहा है, जब ये वो बता रहे हैं ना, सिचुएशन बता रहे कि अगर डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू है तो टी आर में क्या चेंज आ रहा होगा। टी आर वुड बी इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब एम आर इंक्रीज हो रहा है तो टी आर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा, टी आर वुड बी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो एम आर नेगेटिव होगा, ठीक है ना? उन्होंने ये नहीं बताया कि एम आर नेगेटिव है, तो हम ये अज्यूम करें कि एम आर पॉजिटिव है बट एम आर की वैल्यू गिर रही है, तो टी आर इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। वो बोलता ना एम आर नेगेटिव तो थर्ड सेगमेंट हो जाता कि वेन टी आर इज फॉलिंग। वो पूछ रहे एम आर डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव नहीं, वो फॉलिंग एम आर की बात कर रहा है। क्लियर? सेगमेंट टू में ये है और भी है। सेवेंथ, कमेंट ऑन द शेप ऑफ एम आर कर्व इन द केस ऑफ टी आर। टी आर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, टी आर कॉन्स्टेंट है।
अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे रहता है ना, उसमें ये हो नहीं सकता, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता वो, नहीं था वो कह रहा है अगर है तो बताओ। तो टी आर की शेप ये है, टी आर की शेप ये है मतलब 10 10 10 10, तो जीरो है, मार क्या है जीरो, एम आर विल बी जीरो इन ऑल द केसेस, एम आर विल बी जीरो इन ऑल द केसेस। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द शेप ऑफ एम आर कर्व इन द केस टी आर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, ऐसी। तो ये टी आर है, अब ये कुछ भी अगर वैल्यू है ना, ये 10 है तो टी आर 10 10 10 10, तो एम आर क्या है, ये तो ठीक है फिर 0 0 0 0, तो शेप कैन नॉट बी डिफाइंड, एम आर वुड बी जीरो इन ऑल द केसेस एक्सेप्ट फर्स्ट यूनिट। क्लियर डिफरेंट। तो टी आर इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, मतलब एम आर इज कॉन्स्टेंट, टी आर इज कॉन्स्टेंट मतलब एम आर इज जीरो, ठीक है ना, एम आर इज जीरो। क्लियर। सेगमेंट टू,